सारे भाई डांस ही कर सबका रहे हैं। गेस्ट कोई मैं कहीं पूरा सुन तुसी ली है आज। कहना यार इतना फटा गेस्ट लेंदा अच्छा यार, इस बंदे ने वो ना भी अपनी इस लाइफ की बड़ी मस्कीन हर्डल्स देखी ने, बंदे दे शो च और वो छड़ तो ये किड़ा का बड़ा नहीं बंदा वेखा ले मैं आ किसी रहे। टीवी ते तुसी एक गेस्ट जानते नहीं बड़ा सानू यार नाइस पर्सनैलिटी है भाई तुसी बंदे। नादरे ने कहना भी यार कितना आ गए मेरे शो दे विच किते जानते नहीं किते तो इते टूटा मतलब ही, दुनिया च इन्हां नू हर कोई बुलाउंदा है कि यार काश लगता असी है कोई किते इन्हां नू भी मजदूर सा देखन दिया के ही बैठे नहीं। लेकिन नहीं जानते ठीक है जी लेकिन इन्हां दे ते तुहाडे दरमियान च मैं बहुती देर नहीं रवांगा मैं मैं टाइम ऐलान टेबल करदे लगा वे मैनू दूंगा ना मेरे ऐ मेरे खड़े हो रहे ने की हुंदे ने मेरे गूज बम्स खड़े नादरीन साडे विच अज साडी खुशकिस्मती है कि तशरीफ फरमा ने जनाब जनाब। अब्बास ओ तेरी साहब यार, बड़ी ना आप चीज चलिए है बोल ये, बड़ी चीज ये है। वाड़ी मार मैं तेरे दंद कर तेरे की तकलीफ आ एदे लिए भी ताड़ी मारनी है सी एदे लिए उतरे ना कर मेरा गेस्ट आ मार ताड़ी नहीं तुसी मेरी पेमेंट भर लो मैं नहीं ताड़ी मारनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੇਤਰ ਮਾਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਇਹ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੈਸਟ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੁੱਗੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਬਜਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ ਵੀ ਗੈਸਟ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਸੇ ਮਸਟੰਡੇਰ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਕੈਸੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਬਾਸ ਜੀ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਅਬਾਸ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਸਿਲੈਂਡਰ ਸਿਰਿੰਜ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਣੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਬਾਸ ਕੋ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਅਬਾਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਸ ਹਮੇ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਲੋਗੋ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਕਾ ਲੋਗ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕਲੈਪ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਕਲੈਪ ਕਰੋ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇ ਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਉਧਰ ਉੱਡ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਔਰ 100% ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਗੈਸਟ ਸਮਝ ਰਹਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ इस फील्ड में मीडिया जी मीडिया जी आर्ट काउंसिल में एक परफॉर्म हुआ था कितने जी आर्ट काउंसिल अच्छा अच्छा उधर मैंने परफॉर्म किया था फाइनल से बाहर हुआ फाइनल से आप बाहर हुआ हाँ जी फाइनल में चला गया किस चीज का था वो फाइनल वो कॉमेडी का कॉमेडी का फाइनल तो वगैरह ये अच्छा अच्छा जुग तो वगैरह ये वो ओके अच्छा उसके बाद फिर आपको ब्रेक कहाँ से मिला जुग तो वगैरह ब्रेक ये एक फेसबुक के पेज पे ऊपर है ना आया था कोई रोड शो कर रहा है वो नूर के पीछे की तरफ है ना एक कॉफी शॉप था कॉफी शॉप उधर हम गए उधर भी हम जीत गए फिर फाइनल में बात ओके ओके अच्छा झूठ ना बुलाए ना झूठ कर लो आया कितने देर शट अप अच्छा फाइनल में आप फिर पहुंचे फाइनल अच्छा अच्छा उसके बाद फिर तालीम आपने जो हासिल ही नहीं गई वो कहाँ से की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर जी ओह डियर फर्स्ट ईयर हाँ जी वाह उसके बाद आप कॉलेज भी गए नहीं कॉलेज नहीं गए कॉलेज के आगे लगाने ही नहीं दी उन्होंने रेडी क्या मुश्किलियां कर रहे हैं अब्बास साहब आप ये बताएं जी के मंशूर क्या है आपका मंशूर मंशूर का पहले मुझे मैं नहीं पता मैंने ओके ओके मतलब मुझे और क्यों बता मंशूर की है तुम बता उन्होंने तो दास ले यार आप उधर ना देखे आप उनकी तरफ ना देखे मस्तड़ियां कर रहे हैं छोड़ दे बात क्या पूछा आपने सवाल मंशूर आपका क्या है मंशूर मेरा तो नहीं है लेकिन मंशूर इधर एक इलाका है मंशूर आपका क्या है जी मंचूर यही है कि सुबह उठता हूँ मंचूर नहाता हूँ फ्रेश होता हूँ मंचूरियन नहीं कहता था यही बस मंचूर यही मंचूर है उसने समझा मुझे नाचते तो बच्चे मेरा मंचूर सब ना मंचूर ओए शट अप कैसा पल्ले तेरी ये ला मंचूर है तेरा अच्छा आप इनको छोड़ें छोड़ करें इनको ये छोड़ दें पता क्या पता है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आपका लेवल क्या है आपके यहाँ गेस्ट ये गेस्ट गेस्ट होता है उनको समझ नहीं आ रही बात आपका जरूरत है ये तेरा लेवल नहीं छोड़ रहे यार ये आप ही छोड़ दें मैं उनको समझा रहा हूँ मैं डांट रहा हूँ आपकी वजह से उनको गेस्ट की इज्जत करनी चाहिए हाँ यस यस अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या अलहाम होता है अलहाम हाँ अलहाम मतलब अब्बास सर अलहाम का मतलब जब आप कोई काम कर रहे होते जुगतबाजी कर रहे होते हैं लोगों को
लिंक होता पे बातें करते हैं। हाँ, तो अल्हाम हुआ है कभी आप? हाँ, अल्हाम होता है आपको? हाँ होता है, जब भी कोई लिंक पे या ट्रैक पे बात करते हैं ना, अल्हाम होता है। मुझे एक दफा 102 अल्हाम होता है। फिर एक दफा आपको 102 अल्हाम हो गया। अच्छा, आपका जरिया मुआश जो है वो यही है? इल्हाम अभी यही है, इससे पहले कुछ हो? इससे पहले क्या था? वो एक रक्षा दिया था करीब पे मैं, उससे 300 रुपया आता था। तो यार देखे, हर आर्टिस्ट जो है ना स्ट्रगल के दौर में, मतलब 10-10 रुपए भी मांगे हैं लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। वो 300 रुपए आता था, बड़ी बात है। मैं गर्म आटे भेजता रहा हूँ, गर्म आटे जी। हाँ, तो ये स्ट्रगल, ये देखे ना, ये बड़े आर्टिस्ट के बड़े जर्फ की निशानी है कि वो अपना बताता है कि मैं जी यहाँ ये था। असि इज्जत ही देने जाने से असि कड़ा छुरियां मारती हैं, बैठने का नहीं पता तुम्हें। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? यार अभी रुके, अभी कुछ बात तो खुलने दे। अच्छा, आपने ये दे, आप पे तनकीद भी होती है? तनकीद होती है, कभी कभी होती है, जब मैं छतरी लेके ना ना जाऊं तो लोग तनकीद करते हैं। अच्छा, यानी तनकीद होती हो तो आप छतरी ले लेते हैं, कपड़े फिर भीग जाते हैं तनकीद से। तुझे सही है अभी? यार ठहर जा, मैं मेनू तो ठंड पै रहा है। आपकी ज्यादातर जो खुशनुदी है किस चीज में होती है? ये खुशनुदी हमें नहीं होती। हमें हमारे सिर पैर से लाती है। अच्छा, ये बताएं आपका एम क्या है? एम है जी, यहाँ नहीं बता। वो मेरा 0-300 वाला है, ऐसे शो। अच्छा अब्बास भाई, आप बहुत जॉली हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। आपको पता, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं जी। आपका आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे शोज आप करते हैं जिनके साथ, वहाँ पे आप चुप करके भी बैठे रहे तो लोग आपको देखते हैं। ये उनका जरफ है, उनकी मोहब्बत है। यस यस यस, ये सही बात है। अच्छा अब्बास साहब, कंफ्यूज तो नहीं आप यहाँ पे? नहीं, मैं बिजी है। मतलब आप एक एज ए गेस्ट है हमारे, जान है हमारे प्रोग्राम के, लड़ा है आप आज हमारे प्रोग्राम। अच्छा, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? क्या ख्वाहिश है कि ये मैंने करना है? वो क्या है? एक ख्वाहिश है जी। क्या? वो 70 पॉइंट की मैंने ब्रेक करनी है स्नूकर पे। बहुत बड़ी ख्वाहिश है। आपकी जिंदगी की ख्वाहिश है कि तुसी नील मारना किसे? हां जी, हां जी, हां जी, नील नहीं फटता, नील नहीं फटता। अच्छा ये बताएं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इससे कितने साल हो गए आपको वापस आए? आप अभी तो घर में हर चीज हो गया, ओवन भी है, फ्रिज भी है, तकरीबन इस्त्री भी है। किसकी मतलब? इलेक्ट्रॉनिक से पूछा। एक दो चीजें मैंने किश्तों पे भी ली, वो अभी दो किश्तें रह गई है जी। अब चढ़ के उड़िया। आपकी खुशनुदी किस चीज में होती है? खुशनुदी पहले भी होती थी मुझे, फिर मैंने 2-3 दफा मालिश की। फिर आप ना इधर ही गर्दन रखे, आपको आवाज आएगी, आप जवाब देते रहे। बस बुला रहे हैं, कोई बात नहीं। करे सवाल आप। जब से आप इस फील्ड इंडस्ट्री में आए हैं जी, जी, तो जो आपने अपने गुर्दे की पथरियों की रिपोर्ट कराई थी वो ओके है? अच्छा सर, आप ये बताएं कि जब आप काम कर रहे होते हैं, ये जहाँ पे काम करते हैं, आपकी केमिस्ट्री किससे मिलती है? और देखे, क्या लगता है कि आपकी केमिस्ट्री किससे मिलती है ज्यादा?
छोटे भाई से मिलती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आपकी जो केमिस्ट्री है ना ये आपके छोटे भाई से मिलती है। मतलब फेस अब्बास भाई आपकी नहीं बातों से आवाम इतनी खुश लेकिन मेरा बांदी ज्यादा है। अल्लाह आपको जिंदगी दे। और शादी आपकी नहीं हुई मेरा ख्याल अभी शादी होनी भी नहीं हालांकि आपने कुछ 34,000 मुशायरे कर दिए हैं। आपने यही कहा है कि मेरा ब्याह करा दो। आपने करवाना है लाजवाब ये ना निकले तो एक मिनट में खा जाते हैं ना कीड़ा जी जी कोई नहीं क्यों असी जी कदी किसी ना बात घाटा किता ही नहीं अब्बास साहब जी जी हमारा भी एक सवाल है आपकी हॉबीज क्या है। हॉबीज जी हमारे दरबार के बाद इतनी एक सी है कौन सी हॉबीज बाहर करके शुक्र भाई अजकल दौर स्कैंडल बनना कोई सौखा काम बच्चों का स्कैंडल डबल स्टोरी स्कैंडल साहब आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए मैं आपसे जब से आप बैठे हैं मैं बिल्कुल आपको गेस्ट ये बदतमीजी कर रहे थे लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्योंकि ये चेयर जो है हमारे गेस्ट की है और आप हमारे गेस्ट हैं और आप इस काबिल हैं कि आपको यहाँ पे बिठाया जा सके ठीक है। और आपने बहुत अच्छा हमें एंटरटेन भी किया और आपका बहुत शुक्रिया ठीक है। पता है आपकी कि आप आ गए वरना आप नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी।